हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज का वीडियो उन सभी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो केमिस्ट्री के फील्ड में हायर रिसर्च करना चाहते हैं पीएचडी करना चाहते हैं आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम एक पीएचडी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे जिसमें मंथली फेलोशिप सिक्सटी थाउजेंड है पर मंथ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट व्हाट्सएप चैनल पर आ रही है देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अशोका यूनिवर्सिटी जो सोनीपत हरियाणा में है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में पीएचडी पोजीशंस के लिए एक नोटिफिकेशन आया है सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को हम देखेंगे Ph.D. positions are available in the sustainable catalysis, computational and synthesis with the Ashoka University with an attractive Ph.D. fellowship of rupees sixty thousand. तो देखिए यहाँ पर आपको पचास हजार रुपए तक का तो मंथली fellowship मिलेगी साथ ही टेन thousand रुपीस का H.R.A. house rent allowance मिलेगा तो total तो आपको मंथली fellowship मिलेगी sixty thousand रुपीस per month. तो देखिए ये जो सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ है ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद बहुत ही कम ऐसी जॉब है जिसमें आपको सिक्सटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ तक की सैलरी मिलती है तो साथ ही यहां पर आपको पढ़ाई भी हो रही है आपकी डॉक्टरेट डिग्री भी हो रही है और आपको मंथली सिक्सटी थाउजेंड भी मिल रहे हैं तो देखिए सबसे पहले ये जो पूरा नोटिफिकेशन है पीएचडी का ये अशोका यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आप देख सकेंगे उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी पोस्ट कर दूंगा अब एज ए स्टूडेंट आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर हम अशोका यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्यों करें तो देखिए उसके लिए भी कुछ पॉइंट मेंशन है नोटिफिकेशन में वर्क ऑन एमिनेंट रिसर्च एरिया इन केमिस्ट्री अंडर एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर के साथ काम करने का मौका मिलेगा इंटरेक्ट विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल लीडर्स इन द फील्ड टू वर्क विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा पार्टिसिपेट इन वेरियस करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी टू नर्सर योर टैलेंट एंड पर्सनैलिटी तो ये एक कुछ ऐसे मोटिवेशन है जो आपको अशोका यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए मोटिवेट करेंगे अब पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है तो फंडिंग एंड फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो वन टाइम फंडिंग मिलेगी अप टू रूपीज टू लैख टू प्रेजेंट ए पेपर इन द रेपुटेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब्रॉड अगर आप यहां से पीएचडी करते हैं तो आपको एक वन टाइम की फंडिंग मिलेगी दो लाख रुपए तक की वो फंडिंग आपको इसलिए मिलेगी कि आप किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कि अब्रॉड में होगी इंडिया में नहीं अब्रॉड में होगी वहां पर जाकर आप एक अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको दो लाख रुपए तक की फंडिंग मिलेगी इसके साथ ही अट्रैक्टिव मंथली फेलोशिप मिलेगी आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज प्लस टेन थाउजेंड रुपीज एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस तो टोटल आपको मंथली सिक्सटी थाउजेंड रुपीज मिलेगा और साथ ही एनुअल एनुअलटेंसी ग्रांट भी मिलेगा तो एक बहुत ही अच्छी फेलोशिप यहां पर आपको ऑफर की जा रही है एक्सपोजर टू स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज का मतलब है कि जो लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं केमिस्ट्री की रिसर्च को करने के लिए वो आपको मिलेगी और साथ ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू सेलेक्टेड लोकेशन अवेलेबल इफ रिक्वाच की तो कुछ ऐसे एरिया है जिनमें अशोक यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है वो एरिया कुछ इस तरह से है ऑर्गेनिक सिंथेसिस की फील्ड में रिसर्च होती है इलेक्ट्रो कैटेलिसिस की फील्ड में रिसर्च होती है होमोजीनियस कैटेलिसिस की फील्ड में रिसर्च होती है सुप्रामोलिक्युलर केमिस्ट्री की फील्ड में रिसर्च होती है थ्योरिटिकल केमिस्ट्री की फील्ड में रिसर्च होती है केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स की फील्ड में रिसर्च होती है केमिकल बायोलॉजी में फोटो कैटालिसिस में हेट्रोजीनियस कैटालिस बायो एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉम्पिटेशनल केमिस्ट्री एंड बायो मटेरियल्स तो देखिए जितने भी जो हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक हैं साथ ही जो कन्वेंशनल केमिस्ट्री के टॉपिक है सभी एरियाज में रिसर्च होती है अशोका यूनिवर्सिटी में अब अगर आप अशोका यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो दिसंबर दस दो है तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे साथ ही आप जब ये नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक क्यूआर कोड है उसको आप स्कैन करेंगे तो आप कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कैसे करना है वो आपको वहां से स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तो अगर आप इस पीएचडी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए विथ मिनिमम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स तो ये एक कंडीशन है जो आपको फुलफिल होनी चाहिए साथ ही ऐसे कैंडिडेट जिनके पास सी एस नेट गेट या इंस्पायर फेलोशिप है उन्हें उस अशोका यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा उन्हें एग्जाम मिलेगा तो अगर आप सी एस फेलोशिप आपके पास है तो आपको जो है वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो दिसंबर 2023 के लास्ट वीक में होगा टेंटेटिव है अभी एक्यूरेट डेट नहीं आई है इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम तो जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसके नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू हो जाएगा फाइनल डेट एंड डिटेल ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड बाईल तो अगर आप इस पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ई मेल आई डी पर एंट्रेंस एग्जाम की डेट साथ ही जो इंटरव्यूज हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी अब पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो सी एस आई आर नेट केमिकल साइंस का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस होगा अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको इस वीडियो में मैंने कवर किया लेकिन एज ए स्टूडेंट हमारे मन में और भी कई सारे डाउट होते हैं अगर आपको कुछ डाउट है तो आप एक ईमेल आईडी दी गई है एच ओ डी डॉट सी एच ई एट द रेट अशोका डॉट ई डी यू डॉट इन उस पर भी लिख सकते हैं साथ ही अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और अच्छी फेलोशिप के साथ करना चाहते हैं और आपके पास एमएससी केमिस्ट्री विद मिनिमम 55 परसेंट मार्क्स हैं तो आप इस अशोका यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसकी लास्ट डेट दिसंबर 10 2023 है इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ साथ ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी पोस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो